होने वाला है चीन वाला मोबाइल, ठीक है ना, उसको मना रहता है, बिल्कुल मना हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका हेडक्वार्टर है ना, उसके आस पास मोबाइल नहीं दिखना चाहिए। जय हिंद एवरीवन। चाहे भारतीय सेना के अधिकारी हो, चाहे भारतीय सेना के जवान हो, सबके लिए चीन का मोबाइल बैन होने वाला है। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज दिखा रहा हूँ। देखो, सिर्फ भारतीय सेना के अधिकारी और भारतीय सेना का जवान का मोबाइल नहीं बैन होगा, जितने लोग फौज में रहेंगे और उनके घर में जितने भी सदस्य रहेंगे, जैसे उनसे बातचीत होता है ना, मान लो हमारे भैया फौजी हैं, उनसे मैं फ़ोन करके बहुत सारी बातचीत बोलूँगा, वो भी अपने बारे में बहुत सारी बातचीत बताएंगे, तो मतलब कुछ ऐसा मामला रहेगा जो लीक हो सकता है। ये मोबाइल बैन होने वाला है, चीन वाला मोबाइल, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें लिखी गई है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज बता रहा हूं। जितने लोग भारतीय सेना से प्यार करते हो या इंडियन आर्मी की तैयारी में लगे हुए हो, तो आप सभी लोगों को यह बात जानना बहुत जरूरी है। साफ साफ लिखा गया है, चाइना से जासूसी का खतरा, मार्च के बाद सेना के जवान व अधिकारी चीनी मोबाइल का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। यहाँ लिखा गया है, जासूसी के खतरे को देखते हुए चीनी मोबाइल फोन बदलने का आदेश दिया गया है। मोबाइल फोन में लिवायर और स्पाइवेयर पाए जाने के मामले सामने आए, जिसके बाद सेना ने आदेश जारी किया है। भारतीय सेना और जवानों का बात नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय सेना के जवान और अधिकारियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी अब चीन निर्मित मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि जवान, अधिकारी व उनके स्वजन चीनी कंपनियों के मोबाइल मार्च अंत तक बदल लें। पर लिखा गया है, सेना के मुख्यालय में भी बढ़ती जाएगी सावधानी। साथ ही सेना के उच्च अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी यूनिटों के कमान अधिकारी मतलब सीओ को भी निर्देश जारी करें, ताकि वे अपने जवानों को इस संबंध में जागरूक कर सकें। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सेना के मुख्यालय के अंदर और आस पास भी चीनी मोबाइल फोन की बिक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीनी मोबाइल कंपनियों के मोबाइल फोन में मैलवेयर और स्पाइवेयर पाए जाने के मामले सामने आया है, जिससे आसानी से जासूसी की जा सकती है। अधिकों की जासूसी का शक, सूत्रों के अनुसार मौजूदा समय में सेना के अधिकतर जवानों व अधिकारियों के साथ ही उनके स्वजन भी चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इन फोन के अंदर जो भी डाटा हो, इसे रीड किया जा सकता है। इससे पहले भी केंद्र सरकार कई चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है, और अब चीनी मोबाइल कंपनियों के मोबाइल फोन का उपयोग सेना के जवानों व अधिकारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को न करने का आदेश जारी कर दिया है। यह के लिए काफी बेहतर कदम माना जा सकता है। न्यूज में जो कुछ भी लिखा गया था, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता दिया हूँ। हमारे भारतीय सेना के जितने भी जवान है ना, वो लोग व्हाट्सएप भी नहीं चला पाएंगे, फेसबुक भी नहीं चला पाएंगे, यूट्यूब भी नहीं चला पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है ना, जितने लोग भी सेना में चले जाते हैं उन लोगों को मना रहता है, बिल्कुल मना हो जाता है। हम लोग अगर भर्ती होकर चले जाएंगे ना, तो हम लोग भी वीडियो बनाना छोड़ देंगे, आप लोग भी छोड़ देगो। मतलब शुरू में ऐसा लगता है कि भाई जब हम भर्ती हो जाएंगे तो वर्दी पहनकर फोटो खिंचाएंगे, यहाँ डालेंगे वहाँ डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर जाने के बाद ना सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमारे दोस्त जितने भी सिलेक्शन लिए ना, पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर था कि भाई हम भी फोटो खिंचाकर इधर उधर भेजेंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद सारा का सारा शौक खत्म हो गया। आप लोग का भी खत्म हो जाएगा, हमारा भी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो आर्मी का हेडक्वार्टर है ना, उसके आसपास भी जैसे चीनी मोबाइल नहीं दिखना चाहिए, उसमें पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, कोई मतलब मामला लीक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा। चलो ठीक है, जो भी न्यूज़ था मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।